क्या था 800 का 40%, हमने लिखा 800 का 40% मैंने गुणा, 40% माने 40/100। प्रश्न हमारा ये था 800 का 40% प्लस 120 का 150% बराबर यक्ष का 60%। ये थी लैंग्वेज में, इसे हमें चेंज करना है। इसको चेंज कैसे करेंगे, 800 का 40% प्लस 120 का 800 बोले बटे 100 बराबर यक्ष का 60/100। ठीक, अब ये हो जाएगा ये दो लड्डू, यह दो लड्डू से इसका लड्डू, इन दो लड्डू से कितना हो जाएगा, जब ये 8×40 प्लस 12×15, ये 0 से कट गया, और ये हो जाएगा 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 5, 3x बटे 5 ये हो जाएगा 8×32 320 प्लस ये हो जाएगा 180 बराबर 3x बटे 5, 120 500 हो गया, 3x बटे 5 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 500×5/3 बराबर यह हो जाएगा 2500 बराबर 2500/3 3×8=24 3×3=53 833 1/3 2500/3 दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक, इनका सवाल लग गया, क्या पहले से कितना करना है, ठीक है 3:4 समझ में आ गया, उसके बाद बताइए आगे बढ़िए। पहले संख्या 20%, रुकिए पहली संख्या 20% ना, हाँ आगे बताइए, अच्छा आपका नया अनुपात हो जाएगा 6×6=7 काट दिया, अरे 90 गलत दिया है, बता रहे हैं दिखा रहे हैं, अभी इस पर इस टाइप क्वेश्चन हम नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे, अभी इन्होंने कह ही दिया है तो इसी आधार पर सभी पढ़ लिया जाए, लिखिएगा पहले, तो पहले अनुपात से स्टार्ट कर देते हैं, इसके बाद हम आगे हम लोग पढ़ते हैं। ए का 20% बराबर सी के, ए का 20% बराबर बी के 30%, ऐसे इसका उत्तर होगा ए का 20% बराबर बी का 30% के बराबर हो तो, ए अनुपाते बी का मान होगा, ए अनुपाते बी का मान होगा इसको लगाते कैसे हैं, ये हो जाएगा पहले विधि बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, ए का 20/100 बराबर बी के 30/100, ठीक,
सौ सौ से कैंसिल हो गया, हर हर से गुड़े में है तो मैंने पढ़ाया था, लड्डू लड्डू कैंसिल, तो जाएगा टू ए बराबर थ्री बी, तीन इधर चला जाएगा, ए बी इधर चला जाएगा तो बचेगा ए बटा बी, और दो उधर चला जाएगा तो बचेगा तीन बटा दो, तो ए अनुपात बी बराबर तीन अनुपात दो। इसे तुरंत कैसे लगाते हैं, देखिए ये करा ए का 20% बी के 30%, इसको काट दिया हमने तो दिख रहा दो तीन, इसको पलट देंगे उत्तर हो जाएगा तीन अनुपात दो, सीधी सी बात, इसको तुरंत काट के पलट दीजिए। जैसे कह दिया ए का 40% बी के 50% के बराबर है, ए अनुपात बी का मान क्या होगा, तो 40 अनुपात 50 अपने मन में लिख लीजिए, ठीक काटेंगे इसको पलट दीजिए 5 अनुपात 4 उल्टा आता है, बस इसका मान उल्टा आएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। जितना भी जब भी कहेगा उसका मन उलट जाएगा, और अगर सॉल्व करेंगे तो मेथड समझ आएगा कैसे लगाया। अरे ए का 20% माने ए गुड़े 20/100 बराबर बी के 30% बराबर है, तो ए गुड़े 20/100 बराबर बी गुड़े 30/100, ठीक। फिर हमने क्या लिखा, 100 100 से कैंसिल हो गया, हर हर 100 से कैंसिल हो गया, फिर क्या किया आपने काट दिया, तो बचा ए 2a बराबर 3b, 2a 3b बचा, उसके बाद आपने फिर आगे क्या किया, हाँ ए अपन बी कर दिया, एक बराबर एक तरफ कर दिया, और आ गया आपका उत्तर। ठीक हो गया, चल अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन बोल दे, लेकिन कोई पढ़ाए नहीं है वो चीज, नहीं अभी उस टाइप का एकदम नहीं पढ़ा, लिख लीजिए तब उनका कहेंगे इनको अजमे नहीं करता, क्या लिखिए नहीं बताइए क्वेश्चन बोलिए, नहीं आप लोग का वो टूट जाता है ना, मतलब फ्लो जिस हिसाब से पढ़ाते हैं, जैसे मेरा जो पढ़ाने का स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं, नहीं बोल ही दीजिए आपको प्रूफ हो जाए पहले, क्वेश्चन बोलिए आप। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, 3:4 अच्छा 3:4 दो संख्याओं का अनुपात, आप लोग याद हो गया वो क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, पहली संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, 30% की वृद्धि कर दी जाए, पहली संख्या में 20% का वृद्धि कर दी जाए तथा दूसरी संख्या में 30% का वृद्धि कर दी जाए, तो दोनों संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा। अब कुछ पुरानी बातें याद कराएंगे आपको, फिर बताएंगे हाँ उत्तर सही था आपका नहीं। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, मतलब अगर माना पहली संख्या ए अनुपात बी है, इनका अनुपात कितना होगा, 3:4 होगा, इसको लिखेंगे ए बटे बी बराबर 3/4, लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि पहली संख्या कितना बढ़ गई, 20%, तो पहले दिन हमने बताया था यदि कोई संख्या दी गई हो अपने आप में कई किलो होती है, 100, हर संख्या अपने आप में 100 होती है, तो पहली संख्या कितना बढ़ा, 100 होती है कितना बढ़ के हो जाएगा, 120 बटे फिर नीचे वाला क्या करेंगे, कितना बढ़ा है, 130 लड्डू लड्डू से कट गया तो 12 3 चार एक का 4 4 3 12 3 3 9 अनुपात 13, अब कहते 90 अनुपात 130 अच्छा नहीं वही है 90 अनुपात 130 0 0 काट देंगे 9 अनुपात 13 90 अनुपात काटेंगे तो आ जाएगा 9:13 अच्छा वहां गलती हो गई थी 36:52 जगह पहले लिख दिए थे तभी कट नहीं रहा तभी दूसरा आया था। हो गया इनका सवाल, अब आप वापस आते शुरू चलते हैं, ये तो आपने बीज उठा दिए इसलिए पढ़ा दिए, ये सब बीज का टॉपिक है ये सब। एक संख्या
कि 75% में 75 जोड़ने पर, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, स्वयं संख्या प्राप्त होती है, संख्या 75% में 75 जोड़ने से संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है? आ गया, देख कैसे लगेगा। मानव संख्या क्या थी? यक्ष थी। यक्ष का 75% माने 75/100, एक संख्या के एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पे क्या प्राप्त होती है? संख्या ही वापस प्राप्त होती है, 75 संख्या प्राप्त है। संख्या को पता नहीं क्या संख्या थी, मन संख्या यक्ष थी, यक्ष का 75, इसे लिखेंगे ना, यक्ष का 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती, स्वयं यक्ष प्राप्त हो जाती है। संख्या प्राप्त हो जा रही, कह रहा है उसके 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त हो जा रही है। जब संख्या प्राप्त हो जाएगी तो यक्ष नहीं जोड़ेंगे, समझ में आया? आपको आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? हाँ, वही संख्या स्वयं प्राप्त होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? चाकू लगाएंगे, देखिए 25 317 आना चाहिए, ये हो जाएगा यक्ष बट्टे 25 चौका 100 और 25 375। तो यक्ष गुणे 3/4 प्लस 75 बराबर यक्ष, इसे लिख सकते हैं 3x/4 प्लस 75 बराबर यक्ष, इधर ले 75 उधर ले जाए या इसको उठा के उधर ले जाए, तो 75 बराबर यक्ष माइनस 3x/4, 1 का 4x, 4 में से 3x जाए कितना हो जाएगा यक्ष बटे 4, ये बटे में इधर गुणे में, तो यक्ष बराबर 75 गुणे यक्ष बराबर 3x/4 फिर गुणा किया 4 1 का 4x - 3x बचा 1x, या 1 लिखिए या ना लिखिए, x बटा 4/75 त्रिज्या गुणा किया, 75 × 4 = 1, x का मान 3। ऐसे ओरली मार दीजिए, अगर पेन का उठाएंगे सही है ना, ऐसे ही लगा के लिए ओरली कॉपी कलम बचाइए, पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो। आगे बढ़े, हमारे घरों तो गणित नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे। पहले दरोगा में एक नियम था एसआई बनने के लिए कि जो सभी खंड में पास होना अनिवार्य है, गणित भी था, गणित नहीं आता था, पूरी की तबियत रट्टा मार दिए थे, उत्तर देते प्रश्न में उत्तर बता देते थे, तो पास होकर दरोगा योग से ड्यूटी कर रहे हैं 2011 वाले थे। बड़े चार किसी आ गए, हाँ भिन्न पढ़ाए थे, हमने कहा जैसे इसका अगर प्लस हो तो 4 1 का 4 1 3x/4 करते, 7x हो जाता, 4 1 का 4 3 7, माइनस है 4 1 का 4 - 3/4, अगर इसको सॉल्व करना है, तोड़ के सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी दवा रखा जाती है, x माइनस 3x/4
इसका एलसीएम लेंगे चार, इसका बटा होगा एक, चार एक का चार तो जाएगा चार एक्स माइनस तीन एक्स, चार एक्स तीन एक्स कितना एक गया एक्स बटे चार, उसी को जाए साठ मार दिए। हमें पूरे की तबियत रट्टा मार दे रहे हैं, सवाल ये पूरा ठीक। अगर आपको गणित ना आपको रट्टा मार लीजिए सवाल ही पर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखिए, किस टाइप का क्वेश्चन बोले, इसी टाइप का बोले, ऐसे बोले बुझाने वाला से लिखिएगा। एक संख्या का 50% में से 50% घटाने पर, एक संख्या के 50% में से, एक संख्या के 50% में से उसका पुनः 50% घटाने पर, उसका पुनः 50% घटाने नहीं होगा 150 घटाने पर, एक संख्या के 150% एक संख्या के 50% में से 150 घटाने पर घटाने पर संख्या का 25% प्राप्त होता है, संख्या का 25% प्राप्त होता है, संख्या का 25% प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी तो उस संख्या का, नहीं एक प्रश्न अगला नौ लिखेगा, तो उस संख्या का, उस संख्या का 80% कितना होगा, 480 प्राप्त होता है तो उसी संख्या का 80% क्या होगा, 480 जितने सवाल बना रहे उतने वालों सॉल्व कर दे रहे। अच्छा आप लगातार सॉल्व कर रहे, हम भी बोलते रहते एक एक स्टेप सॉल्व करते रहते। आ गया चलिए। कहा था क्वेश्चन क्या, हमने कहा था कि एक संख्या का 50% में 150 जोड़ने पर घटाने पर संख्या का 25% प्राप्त होता है, उस संख्या का 80% क्या होगा, क्वेश्चन याद हो गया। चलिए क्या करते हैं कि माना वह संख्या क्या था, यक्ष था ठीक, यक्ष का कितना परसेंट, 50% मैंने गुणे 50/100 ऋण 150 में 150 घटाने पर माने -150 बराबर संख्या का 25% प्राप्त होता, मतलब संख्या क्या थी, यक्ष, यक्ष माने यक्ष का माने गुणा 75% माने 75/25 कह रहा है 25/100 फिर कह रहा है उस संख्या का 80% यक्ष निकल ही रहा है इसी समय निकाल दीजिए उस संख्या का 80/100 ऐसी संख्या प्राप्त होती, वही समय लगा देंगे कुछ बोझा हल्लुक हो जाएगा ना आपका, इसीलिए समझा। चलिए अब क्या करेंगे, 50 × 50 = 100, 25 × 25 = 100, 20 × 80 = 150। चाकू में धार लगवा लीजिए ठीक, ये हो जाएगा एक एक्स, एक लिखे ना लिखे माना जाएगा कि एक्स गुणे एक करेंगे तो हो जाएगा एक्स बटे दुई माइनस 150 बराबर, ऊपर लिखे क्या बचा, एक्स गुणे एक गुणे चार तो बचेगा चार एक्स पूरे का बटे चार बच्चे, अरे फिर गड़बड़ चार चार से खत्म कहा परेशान थे देखवा नहीं की ऊपर बचा यक्ष गुड़े एक गुड़े एक तो यक्ष बटे पांच बचा ठीक है। फिर क्या करेंगे कि देखिए एक बिरादरी का ये अलग बिरादरी का, इसको उठा के उठा फेंक दीजिए इसको इधर लेते हैं ये तो जाएगा यक्ष बटे दो, ये प्लस है यक्ष बटे पांच, इधर आएगा तो माइनस
यक्स बटे पांच बराबर माने 150 उधर ले जाएंगे तो एक बिरादरी एक तरफ ना, गधा गधा एक तरफ, भेड़ भेड़ एक तरफ, ठीक बीच में पढ़ेंगे तब मजा आएगा। तो इसका एलसीएम लेते हैं, सुने हैं कि 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, आप लोग निकालते रहिएगा। 2 5 10 तो 5 का 5 x माइनस 5 गुना 10 2 x बराबर 150। 5 x में से 2 x गया कितना बचेगा 3 x बटे 10 बराबर 150। अब 3 1 का 3 और 3 5 15 जीरो x बराबर यहाँ पे कुछ गलत आ गया 600 आया पहले वो सॉल्व करेंगे x का मान जो आएगा उसका 80% निकालना है ना। कहाँ गलती, एक सेकंड रुक जाइए, गलती कहाँ से, ये गलती यहाँ पे जो 500 आ रहा है गलती यहाँ हुई है कि यहाँ से इसका हमें अलग से मान निकालना चाहिए था। यस इसका मान हमें अलग से 600 निकालने के बाद जोड़ना चाहिए। चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं, हम भी देखते हैं कहाँ से गलती, गलती से गलती कहीं नहीं हुई है मेरे हिसाब से, कहीं कैलकुलेशन टूटी हुई है क्या? नहीं सर नहीं हुई। तो पूरा इसको एक बार रखते हैं, पूरे इसको एक बार लिखेंगे, पहले यक्स का 50% यक्स का 50 बटे 100 माइनस एक संख्या का 50% में से 150 घटाने पर संख्या का मान यक्स का 25% प्राप्त होता है 25/100 ठीक। 25 एक का 25, 25 चौके 100 तो हो जाएगा 50 का 50, 50 गुना 100 तो x बटे 2 माइनस 150 बराबर x बटे 4, ये इधर आएगा इधर जाएगा, x बटे 2 माइनस x बटे 4 क्योंकि प्लस इधर आएगा माइनस 150 उधर जाएगा तो प्लस एलसीएम हो जाएगा 2, 2 का 2 x 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 तो हो जाएगा 2 x ये माइनस x बराबर 150 तो x बटे 4 बराबर 150 उधर चला जाएगा तो जाएगा x बराबर 150 गुणे 4 x बराबर 600। क्या रहा संख्या का क्या परसेंट? 80% संख्या कितनी है 600, 600 गुणे 80 बटा 100 जीरो जीरो कट गया 6 गुणे 80 480। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जिन्होंने सॉल्व नहीं किया हो, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिया करिए सॉल्व क्वेश्चन का, हो गया ये। वैसे भी आया कहीं लगता छुट्टी हुई होगी सर, वो फिर कीजिए वैसे भी कीजिए देखिए नहीं अब तुम्हें रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये लोग सोचेंगे इनको ये भी नहीं करता कभी, वो लोग सोचेंगे देख के पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कैसे पढ़ाते हैं। चलिए सुजीत जी बताइए कोई कोई संख्या बताइए उत्तर उतना लाया जाए, कोई संख्या क्या बताइए, 400 500 600 700 800 900 कुछ बताइए, 1600 2000 देखिए 3200 का जल्दी बताइए, 3200 का आगे बोलेंगे बस आप बोले, चलिए 3200 का 20% में क्या जोड़े में क्या जोड़ देगी, 3200 के 20% में क्या जोड़ देगी, वह 1000 के 70% के बराबर हो जाए, 1000 के 70% के बराबर हो जाए 60, 1000 के 70% के बराबर हो जाए 60 ना, आप लोग भी लगाते रहिए जब तक, ओके सबका कितना आया कैसे लगाया आप लोगों ने, अब हमने क्या लिखा कि 3200 का 20% मतलब 20 बटा 100 में क्या जोड़ें, में क्या जोड़ दें, इसको अंतरचय लगा देते हैं कि 1000 का 70% के बराबर ना, ऐसे मान लीजिए या तो मैं माना x जोड़ देते हैं, मैं क्या जोड़ देते हैं माना
यक्ष जोड़ देंगे कितना हो जाएगा वो 1070% के बराबर है, पहले 1070%। ठीक, ये दो लड्डू, यह दो लड्डू कट गया, 32 × 64 माने 640 धन यक्ष बराबर, यह दो लड्डू, यह दो लड्डू से कट गया माने 700 उधर जाएगा, यक्ष बराबर 700 माइनस 640 यक्ष बराबर 7। और आगे बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा? चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं आगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़े। यक्ष का 50/100 प्लस 2.5 गुणे 600% बटे 600/100 माने एक्स का 50% में धन 2.5 का 600% जोड़ने तो 500 का यक्स परसेंट प्राप्त होगा। क्वेश्चन इसे लिखना था, यक्स का 50% में 2.5 का 600% जोड़ने पे 500 का यक्स परसेंट प्राप्त होता है, तो यक्स की वैल्यू क्या हो, तो यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान क्या होगा? क्या है अच्छे बात, मन से आ रहा समझ में? नहीं आ रहा, वही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए इसको। चलिए देखिए, यक्ष का 50% यक्ष संख्या देना चाहिए था, दोनों यक्ष बराबर हो जाएंगे, यहाँ कोई संख्या था, यह संख्या था, चलिए मान लेते हैं 40 था। अब लगाइए 40 का 50% पर 2.5 कीजिए, एक का एक्स होगा, नहीं तो फिर समस्या होगी, एक ही एक्स होगा, दो एक्स रखेंगे लग तो जाएगा, लेकिन हाँ हो जाएगा, वैसे लगा दे, चलिए वैसे लगा देते हैं, जो लिखा था आप लोगों ने पहले वैसे लगा देते हैं, वैसे लगा देते, चलिए हो जाएगा, यक्ष का 50% माने यक्ष गुणे 50/100 धन 2.5 गुणे 600/100 बराबर 500 गुणे यक्ष बटा 100। तभी हो जाएगा 50×50, 50×100 और ये दो लड्डू, दो लड्डू से कट गया, तो ये हो जाएगा यक्ष बटे 2 धन, ये हो जाएगा 25×150
माने 150.0 बराबर ये दो लड्डू कट गया तो जाएगा 5x, ठीक, ये हो गया 15। इसको उठा कर उधर ले जाते हैं तो 15 बराबर 5x माइनस x/2, तो 15 बराबर 5 × 10x में से 9x/2, 5x 4x, 5 × 10 में से 9x/2, 15 इधर अगड़ा हो जाएगा 30/9, तो ये जाएगा 15 × 2 = 9x, 15 × 2 = 9, 3 × 9 = 9, 3 × 5 = 5, तो x = 5 × 10/3, 3 × 1/3, 40 रख के जो इसके बाद एक 40 रख के लगा दीजिएगा एक तरफ का मान, इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप, क्लिक कर लीजिएगा या तो आप इसे लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए पूरा ना। स्क्रीनशॉट उनके लिए जो ऑनलाइन वाले हैं, जो ऑफलाइन है वो छाप लें या लिख लें या समझ लें, तीन काम कर सकते हैं वो, लिखना, छापना और समझना, तो आपको जो करना वो करना। आगे बढ़े, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देते हैं और इस क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन को इतने साल पे लेते हैं, मगर टाइप क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, ठीक।